टेढ़ा भी कर दूं तो फिर तो मजा ही आ जाए, फिर तो गाड़ी बहुत स्पीड से दौड़ेगी सर्कल में। हिल स्टेशन पे यही है, हम 60-60 की 70-70 की स्पीड पे भी हिल स्टेशन पे बहुत तेज कार चला लेते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन तो है ही है। क्योंकि अगर वो बेंडिंग सड़क को ना उठाया होता, नहीं उठाया, सिर्फ फ्रिक्शन है, तो मैक्सिमम लिमिट मान लो 60 है, 60 के ऊपर आप गिर जाओगे, स्किड करोगे। लेकिन अगर आपने सड़क को उठा भी दिया तो फिर हो सकता है मैक्सिमम लिमिट 60 की जगह 70 हो जाए, तो आप गाड़ी को और भी तेज चला सकते हो बिना स्किड किए। ठीक, देखें कैसे। तो दो ही तरीके होते हैं कार या व्हीकल को घुमाने के, या उसका बेंड करना या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हम इस केस में क्या ले रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ले रहे हैं और साथ में उसकी बेंडिंग भी ले रहे हैं। क्लियर है यहां तक? ये डायग्राम और ये डायग्राम में क्या फर्क है? सेम डायग्राम है, सेम कार है, इसकी सड़क को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया ऐसे, राइट, सड़क को ऊपर उठा दिया। ठीक, तो अब मुझे सिर्फ एक बात बताओ इसमें, अगर ये ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज देखो ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो जब पढ़ोगे तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जब कार नॉर्मल रोड पे चलती है, नॉर्मल सड़क पे घूमती है, ठीक, जैसे घूम रही है, इसका सेंटर यहां पर है, तो फ्रिक्शन कहाँ एड करती है? टूवर्ड्स सेंटर। पॉइंट याद रहेगा, ये एरो फ्रिक्शन का, ये टूवर्ड्स सेंटर। ये कार है, लेवल रोड पे घूम रही है, ठीक, सीधे चल रही है, ऐसे घूमेगी, सेंटर यहां पर है, सेंटर के अबाउट घूमेगी, फ्रिक्शन कहाँ है? टूवर्ड्स सेंटर। और यही प्रोवाइड करती है इसे सेंट्रीपेटल। देखो कार घूमती जा रही है, ये फ्रिक्शन हमेशा टूवर्ड्स सेंटर। ठीक, मैंने क्या किया, मैंने इस सड़क को भी ऊपर उठा दिया। ध्यान से देखना फिर से, इधर देखो आगे, ठीक, करें ये देखो, ठीक। अब ये कार ऐसे घूमेगी, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे कर लो, ये रोड है, सड़क है, ठीक। तो अगर ये सड़क पे कार चल रही है, ये घूम रही है, लेवल रोड है, सीधी है, तो कार इसमें ऐसे चल रही है, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, मान लो, तो सेंटर कहां पर है? यहां पर है। तो फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी इसमें? टुवर्ड सेंटर। सड़क सीधी है, सेंटर यहां पर है, फ्रिक्शन टुवर्ड सेंटर। लेकिन अगर मैंने क्या किया, इसे घुमा दिया, ऐसे उठा दिया, तो अब कार कैसे चलेगी? ऐसे, जैसे वो साइकिलिंग रेस या ट्रैक्स देखे होंगे ना आपने, गोल टेढ़े ट्रैक्स होते हैं ना ऊपर को, ताकि कार ऐसे चलती है टेढ़ी, इमेजिन कर पा रहे हो इसमें? ठीक है ना, तो सड़क इस तरीके से चल रही है, ऐसे चल रही है, तो ये सड़क है, ये ऐसे घूमेगी, इस तरह एंगल पे घूमेगी। सड़क को मैंने उठा दिया ऊपर की तरफ, तो इंपॉर्टेंट ये है कि कार तो ऐसे जाती जा रही है गोल, टेढ़ी होके ऐसे, क्योंकि सड़क टेढ़ी है, ऐसे चल रही है, राइट। तो फ्रिक्शन, जब ये सड़क सीधी थी तो फ्रिक्शन, ये ब्लैक कलर का ये पेन कहां पर था? इधर था, टुवर्ड सेंटर, यही है ना। अब सड़क ऐसी है तो अब भी तो यही है ये पेन, अब कार ऐसे घूम जाएगी, तो फ्रिक्शन लगनी बंद थोड़ी ना हुई, फ्रिक्शन तो अब भी लग रही है। तो नोट करने वाली बात है कि ये कार ऐसे घूम जाएगी और फ्रिक्शन अभी भी कहां लग रही है? सड़क पे। अब हवा में तो लगेगी नहीं यार, फ्रिक्शन नीचे लगेगी। तो अगर ये एंगल जीरो कर दें तो ये डायग्राम बन गया पुराने वाला, और अगर उठा दें सड़क को तो ये डायग्राम बन गया। इमेजिन कर पा रहे हो इसे? ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? ठीक, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये फ्रिक्शन देख रहे हो टुवर्ड सेंटर है इधर, मेरे नेक्स्ट डायग्राम में देखना फ्रिक्शन कहां बनाई मैंने, नेक्स्ट डायग्राम में फ्रिक्शन अभी भी यहीं पर है। देखो ना, जब ये सड़क नीचे थी तो ये एरो ऐसे हो जाएगा, अगर सड़क उठ गई तो ये एरो भी एज इट इज सड़क के साथ चला जाएगा। तो ये एरो नजर आ रहा है एफ का, एफ का नीचे क्यों है? बहुत लोग पूछते हैं एफ नीचे क्यों है, एफ इस तरीके से नीचे है। कोई डाउट इसमें? सेम है, पिछला केस सेम है, क्योंकि कार बाहर जाने की कोशिश करती है खाई की तरफ, पहाड़ की तरफ, सर्कल सेंटर पहाड़ है, पर वो खाई की तरफ जाने की कोशिश करती है, सेंटर तो यही हुआ, तो फ्रिक्शन अभी भी यहीं पे एक्ट कर रही है। ठीक, एफ की डायरेक्शन क्लियर है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एफ की डायरेक्शन है। समझ में आ रहा है यहां तक? ऊपर वाले डायग्राम में ना, या इस डायग्राम में थीटा को जीरो इमेजिन कर लो, पिछला डायग्राम बन जाएगा, और पिछले डायग्राम में एफ कहां था? इस तरफ, इसमें भी ऐसे आ जाएगा, इसमें ऊपर उठाएंगे तो एफ ऐसे हो जाएगा, सड़क ही ऊपर उठ गई तो पूरा डायग्राम ही ऊपर उठ गया। कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहां तक?
अब फ्रिक्शन जो कि जो फोर्स है वो तो पता लग गई। अब एक और चीज, कार अगर इस तरीके से ट्रैक पे चलती है, ये चल रही है ट्रैक, ये तो साइक्लिस्ट वाला केस भी साथ कर रही है ना, क्योंकि कार एंगल अटेन कर गई, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसी की बजाय टेढ़ा हो गया साइक्लिस्ट की तरह। तो कार के नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट कहां ऐड कर गया, टुवर्ड्स सेंटर, जो कि क्या प्रोवाइड कर गया इसे, सेंट्रीपेटल। तो मतलब इसमें दोनों केस हैं, साइक्लिस्ट वाला केस भी चल रहा है और साथ में ऊपर वाला केस जो किया फ्रिक्शन वाला वो भी चल रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो मतलब ये तो डबल डबल फायदा हो गया, इस सड़क में फ्रिक्शन भी है और इसमें बेंडिंग भी है, तो दोनों से सेंट्रीपेटल मिलेगी तो कार ज्यादा स्पीड पे टर्न काट पाएगी। मैंने बोला था ना कि दो चीजें चाहिए होती हैं, या तो फ्रिक्शन या फिर बेंडिंग, इसमें तो दोनों ही कर दी, फ्रिक्शन भी कर दी और बेंडिंग भी कर दी। क्लियर यहां तक? तो देखो इधर कार का नॉर्मल रिएक्शन आर, ये थीटा तो ये भी थीटा, वर्टिकल ऑपोजिट थीटा, आर का एक कॉम्पोनेंट आर कॉस थीटा, एक कॉम्पोनेंट आर साइन थीटा। ठीक, तो देखो कार ने क्या जनरेट कर ली, सेंट्रीपिटल फोर्स साइक्लिस्ट की तरह, और आर साइन थीटा भी टुवर्ड सेंटर पे लगेगा और ये भी कंट्रीब्यूट करेगा सेंट्रीपिटल में, और साथ में फ्रिक्शन भी है। फ्रिक्शन कहां पर है, ये री, पर कार का सेंटर कहां है, कार इमेजिन करना कैसे घूमेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना कार कैसे घूम रही है। कार ये ट्रैक है, ये कार है, ठीक, ये कार, ये ध्यान से आगे 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 अरे आगे, ये ट्रैक है इधर इधर, ये ट्रैक है, ये कार है, सड़क को छोड़ दो अब, ये देख रहे हो कार जो है वो ऐसे घूम रही है टेढ़ी, जो कार है जो सीधी तो चल नहीं रही ना, कार सड़क टेढ़ी है तो कार ऐसे है, तो सड़क तो बहुत बड़ी है ना, सड़क तो बहुत बड़ी है, कार का सर्कल कहां का सेंटर कहां मिलेगा आपको, नीचे, नीचे नहीं मिलेगा। आप सड़क को दो मिनट इमेजिन हटाओ, हटाओ तो आपको लगता नहीं कि कार यहां घूम रही है, जैसे ये देखो इमेजिन करो, ये कार का सर्कल ऐसे चलेगा क्योंकि सड़क एंगल पे चल रही है, तो कार का सर्कल का सेंटर ये होगा। कार अगर ऊपर हाइट पे चल रही होती तो फिर ऊपर बनता, थोड़ा नीचे चल रही है तो नीचे बनता, और नीचे चल रही है नीचे बनता, तो ये तो हवा में इमेजिन करना पड़ेगा। ये कुछ ऐसे है जैसे सपोज करो ये एक ट्रैक है, ये आउटर ट्रैक है, ये इनर ट्रैक या आउटर ट्रैक, और ये ऊपर उठा हुआ है, इमेजिन करो ऊपर वाला ट्रैक ऊपर उठा हुआ है किसी एंगल पे, एट एन एंगल ऑफ थीटा उठाया हुआ है, राइट। तो जो कार इस ट्रैक पे मूव कर रही होगी ना, ये वाली, इसका जो सर्कल बनेगा, इसका जो सर्कल बनेगा, ये सर्कल बनेगा, इसका जो सेंटर है ना वो हवा में कहीं यहां पे होगा। ठीक, इमेजिन करो जैसे ये दीवार है, ठीक, इस दीवार पे ये रैक है, ये रैक नहीं है, ये कार है, और इमेजिन करो कमरे के यहां कार ऐसे चल रही है, गोल घूम रही है, मतलब मान लो रूम गोल है तो ऐसे घूम रही है, तो आपको लगता नहीं कि इसका सेंटर हवा में कहीं यहां कहीं होगा, तो इमेजिन करो ऐसे घूम रही है। लेकिन अगर ये कार ये होती, ये होती, तो ये इसका सेंटर कहां मिलता, थोड़ा सा नीचे मिलता, तो जितनी हाइट पे चलेगी सड़क के ऊपर सेंटर भी कहीं हवा में वहीं मिलेगा। इमेजिन कर पा रहे हो इसे? ठीक, तो ये चीज किताब में नहीं दिखेगी, ये तो खुद ही इमेजिन करनी है कि अगर सड़क बहुत बड़ी है, कार किस हाइट पे चल रही है, उस पे उसका सेंटर इमेजिनरी सर्कल बनाना पड़ेगा। क्लियर यहां तक? जैसे हाँ, एक और एग्जांपल है मेरे पास, ये बढ़िया एग्जांपल है, ये ज्यादा अफेक्टिव एग्जांपल है जो अब दूंगा। मान लो कार ऐसे चल रही है, कोन है, कोन की सरफेस पे कार चल रही है, ये सड़क है, ये रही ये कार ये चल रही है, कार देखो तो इसका सर्कल ये बनेगा, जो कार इस हाइट पे चलेगी उसका सर्कल ये बनेगा, ये कह रहा हूं, राइट, ठीक है ना? तो अब इमेजिन कर पा रहे हो, तो अब अगर ये कार यहां चल रही है इस हाइट पर, तो इसका सर्कल कहीं यहां ऐसे कहीं बनेगा। तो ड्रॉ कर लो इसकी सीध में, यहां पर सेंटर सी लिख लो, चाहे सेंटर सी, मतलब ये नीचे मत लिखना, मैं ये बताना चाहता हूं, ओ की सीध में मत लिखना, कार की सीध में लिखना, है ना? तो कार की सीध में, पॉइंट समझ में आ रहा है?
ये पॉइंट समझ में आया, सेंटर सी यहां मिलेगा, आर साइन थीटा की सीध में मिलेगा यहां पे, आर साइन थीटा की, ये है। क्योंकि कई लोग सोच लेते हैं कि ओ सेंटर है ना, ओ सेंटर नहीं है। अगर दीवार ऐसी है तो रैक का सेंटर रैक के सीध में मिलेगा, उस कार का सेंटर यहां मिलेगा, राइट। तो इस कार का कार की सीध में मिलेगा, राइट। गुड आउट इसमें, ठीक। तो नहीं, मुझे एक बात बता, अगर ये रैक कार है और ऐसे घूम रही है तो मैं ओ की बात क्यों करूं नीचे की? ये रैक अगर कार है, कार इस चक्कर में घूम रही है, तो ये सर्कल ऐसे नहीं सिखाते? सर्कल का सेंटर तो सर्कल के सेंटर में है ना, इसके ऊपर लाए करते हैं, उससे मुझे क्या, मुझे क्या कि इसके ऊपर लाए करते हैं, नीचे लाए करते हैं। मेरा सर्कल ये दिखना चाहिए मुझे, बस ये सर्कल है, बात खत्म, ठीक। ये मत कहो कि वो सड़क क्योंकि नीचे ज्वाइन कर रही है तो ओके, हाँ नो डाउट यहां पे कहीं, वैसे भी यहां कैसे हो सकता है यार, क्योंकि ये तो बड़े चक्कर में काटेगी तो ये तो कहीं यहां जाके मिलेगा आपको। अच्छा, आप कह रहे हो ओके ऊपर लाए करेगा, आप ये कह रहे हो ओके ऊपर, ठीक। मान लो ये दीवार है, ये कार है, ये कार सर्कल में घूम रही है, ओ कहां पर है? नीचे। तो सेंटर इस कार का कहां है? ये रहा हवा में, कैसे लाए करेगा? इस पूरे, ये पूरे रूम का चक्कर काटेगी तो ये रहा, और अगर ये सड़क हल्की सी ऐसी होती, ओ पॉइंट तो नीचे रह जाता ना यार, ये तो इमेजिनरी है, ओ से इसका कोई लेना देना नहीं है, राइट। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देता हूं, आप हिल स्टेशन पे जा रहे हो, सड़क गोल है, सर्कल है, उसका सेंटर कहां मिलेगा? पहाड़ के अंदर ही मिलेगा ना, जहां सड़क खत्म हुई वो थोड़ा मिलेगा, ये पहाड़ है, पहाड़ की सड़क है, यहां पर पहाड़ है, तो यार पहाड़ के अंदर सेंटर ढूंढो ना, यहां के ढूंढ रहे हो, ठीक है ना, इमेजिनरी है, इमेजिनरी है इसमें, ठीक है। किसमें? हाँ, कोन पे सेंटर में आएगा, कोन में नहीं, कोन में नहीं, उसमें आएगा, चेंज होके आएगा। ये मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोन में क्या होगा या सेंटर में क्या होगा या किसी और फिगर में क्या होगा, राइट। अब मानोगे एनसीईआरटी का टॉपिक तो आज खत्म है, ऑलमोस्ट सिर्फ 10 मिनट का बच जाएगा, अगले लेक्चर में एनसीईआरटी का चैप्टर ही क्लोज है, इतना ही है बस जो स्कूल में आएगा, और मैंने 24 पेज लिखे हुए हैं इसके ऊपर, अभी दो ही हुए हैं, अभी दो तीन, जितने केस आपके उसमें भी नहीं आते होंगे ना सपने में, सारे केस इसमें लिख रखे हैं, सिलेंडर कोन स्फीयर हेमिस्फीयर जिसमें मर्जी घुमा लेना, फिर पूछना है शीट के बाद कि क्या पूछना है, कोई केस ही नहीं बचेगा, ठीक हो गया। तो अभी इतनी जल्दी नहीं बता पाऊंगा हर केस, क्योंकि यही तो पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस है कि क्या होगा। क्वेश्चन तो आपका बहुत बढ़िया है, बट वो अभी जल्दी पूछ लिया क्योंकि वो प्रैक्टिस के बाद अपने आप दिखेगा आपको, शुरू शुरू में नहीं दिखेगा, अभी आपको अजीब लग रहा है कि यार मैं कैसे सोचूंगा, लेकिन 20-25 क्वेश्चन जब करोगे फिर दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि ये होगा, यही तो मेरा काम है, यही तो करूंगा मैं। स्टार्ट करूं इसे, एक मिनट, देखो इमेजिन करो ये थीटा, ये देखो ये एफ वेक्टर है, ऑल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा, एफ का एक कॉम्पोनेंट एफ कॉस थीटा और नीचे एफ साइन थीटा, और अब दो वेक्टर टूवर्ड सेंटर की तरफ जाएंगे, एक आर साइन थीटा और एक एफ कॉस थीटा। ये डायग्राम में थोड़ा, ये बड़ा डायग्राम है, मतलब पेपर के अंदर बनाना भी मुश्किल है, आप पेपर में ये बनाना, ये कार है, ये थीटा है, आर थीटा, ये थीटा तो ये थीटा तो ये थीटा, तो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, ये चीज क्लियर है। फिर फ्रिक्शन देखो, नीचे एड कर रही थी, ये थीटा तो ये थीटा, फ्रिक्शन का एक कॉम्पोनेंट एफ कॉस थीटा, एक नीचे एफ साइन थीटा, लिख दो यहां एफ साइन थीटा, मिटा हुआ है एफ साइन थीटा, ये ज्यादा आसान है, वो कार बनानी मुश्किल है, ये ज्यादा बेटर है, अब ये बना देना, ठीक है ना यहां तक। अब देखो यहां बनाओ, इधर देखो, इधर इधर
इन दोनों की सीध में सी बनाओ सेंटर, इन दोनों वेक्टर की सीध में सी सेंटर, क्योंकि कार इसके अबाउट सर्कल में घूमेगी, सड़क टेढ़ी है, ठीक यही बता रहा था कि इसकी सीध में सेंटर सी, कोई डाउट इसमें? अब देखो दो वेक्टर्स, अब इसमें फ्रिक्शन का कंपोनेंट भी सेंट्रिपिटल दे रहा है और आर साइन थीटा भी सेंट्रिपिटल, तो दो दो सेंट्रिपिटल फोर्सेस हैं, तो इन दोनों को सम करो, ऐड करो, आर साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, ये दोनों मिलके क्या एक्ट करेंगे? लाइक सेंट्रिपिटल, और ये दोनों का जो सम होगा वो सेंट्रिपिटल प्रोवाइड करेगा कार को, और सेंट्रिपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? एमवी स्क्वायर बाय आर। पहली क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है यहां तक? क्लियर है यहां तक? अब ये बताओ आर कॉस थीटा किसके इक्वल है? एफ साइन थीटा प्लस एम जी, ठीक, आर कॉस थीटा आ गया। एक काम करते हैं, आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, सेकेंड इक्वेशन रीअरेंज कर लिया ऐसे, राइट। एक काम करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, इक्वेशन नंबर वन डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर टू, तो इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया, एम से एम कैंसिल, तो क्या बचा? वी स्क्वायर बाय आर जी। घर जाओगे इसको लिखना, आराम से सोचना कि ये वेक्टर ऐसे क्यों बना, कॉपी पे रख के देखना कार कैसे चल रही है, बहुत सारी चीजें दिमाग में आएंगी, राइट। उनमें से एक चीज आएगी और, जब सड़क पे कार ऐसे चल रही है तो कोई स्टूडेंट बोला फ्रिक्शन तो पीछे ऐड करनी चाहिए, जब कार ऐसे चल रही है सड़क पे, देखो मैं होता तो ये पूछता, एक स्टूडेंट ने पूछा कि कार तो ऐसे चल रही थी, कार तो ऐसे चल रही है टेढ़ी, और आपने फ्रिक्शन कैसे ली? इस तरफ ली नीचे, तो आपको तो ऐसे लेनी चाहिए ना फ्रिक्शन, क्योंकि कार तो सीधी जा रही है, फ्रिक्शन पीछे है, तो फिर आप तो ऐसे नीचे को ले रहे हो। और एक और चीज, मैं इसके अंदर जब कैलकुलेशन कर रहा था ना, तो इसमें म्यू फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक नहीं है ये। आपको कि स्टैटिक, गाड़ी तो दौड़ती जा रही है सर्कल में और आप स्टैटिक स्टैटिक करे जा रहे हो, क्यों? क्योंकि इस मोशन को देखना प्लीज, इस मोशन में कार बिल्कुल नहीं हिलेगी, ऐसे चल रही है, टायर ऐसे घूमते जा रहे हैं, टायर के ऑपोजिट फ्रिक्शन है, इसको रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, पर उसका सेंट्रीपिटल से लेना देना नहीं है कोई भी, हम यहां स्टैटिक इक्विलिब्रियम बना के चल रहे हैं कि कार ऐसे नहीं फिसलनी चाहिए, बस ऐसे जैसे मर्जी दौड़ जाए, ऐसे ना चली जाए, क्योंकि ऐसे गिरी तो पहाड़ पे गिरेगी, ऐसे गिरी तो खाई में गिर जाएगी, तो ये इक्विलिब्रियम में स्टैटिक, कार नीचे फिसल नहीं रही, तो ये क्वेश्चन स्टैटिक इक्विलिब्रियम का है, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यूज होंगे इसमें, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक, काइनेटिक नहीं है ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। खैर घर जाके सोचोगे समझ में आएगा कि कार नीचे ना फिसल जाए या पीछे ना चली जाए, बस इस मोशन के लिए वो रेस्ट पे है, ऐसी मोशन को डिस्कस ही नहीं कर रहे ना हम, तो बस ये है कि ये मोशन फिसलनी नहीं चाहिए, तो ना इधर जा रही है ना ये ऊपर जा रही है, तो ये ऐसे जा रही है, तो इस टाइम ये स्टैटिक चल रहा है एट रेस्ट, इसमें इन मोशन, पर इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम तो इसको डिस्कस कर रहे हैं, खैर छोड़ो। तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है, सेकेंड इक्वेशन क्लियर है, इन्हें डिवाइड कर लिया, अब एक काम करना है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो बाय आर कॉस थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता,
तो आर साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा में आर से आर कैंसिल, साइन बाय कॉस क्या होगा टैन, इसको इससे डिवाइड करोगे कॉस कॉस कैंसिल तो एफ बाय आर, इसको डिवाइड करोगे तो बनेगा वन, इसको डिवाइड करोगे साइन बाय कॉस तो क्या बनेगा टैन। अब एफ अपॉन आर क्या होता है म्यू, जहां जहां एफ बाय आर है एफ बाय आर एफ बाय आर वहां वहां म्यू और म्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी स्क्वायर फिर अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू वी, तो वी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो इतनी वेलोसिटी अगर आप क्या करते हो सड़क को ऊपर उठाते हो तो कार की इतनी वेलोसिटी मैक्सिमम है, लिखना है तो ब्रैकेट में लिख लो मैक्सिमम वेलोसिटी, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी जिस पे कार सेफली चल सकती है। कोई डाउट इसमें समझ में आ रहा है यहां तक? तो समझो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, स्किड करेगी, गिरेगी तो नहीं पर हल्की फिसल सकती है, ऐसे भी नहीं कि गाड़ी बस गई आर्या पार होती है, थोड़ी फिसलेगी और तेज हटोगे ही नहीं तो फिर कोई मोड़ छोटा आ गया तो गिर भी जाएगी। देते हैं, उसे बैठाया जाता है और दंडवत प्रणाम किया जाता है। ये सभी उसके पूछते हैं। देखो एक और चीज देखो, मान लो एक मिनट के लिए मैं सड़क को ऊपर तो उठाता हूं और इमेजिन करता हूं कि फ्रिक्शन नहीं है, सड़क तो ऊपर उठा दी पर फ्रिक्शन नहीं है, ये तो वही बात होगी जैसे एक साइकिल वाला चल पड़ा, साइकिल वाले एक्सप्रेशन में फ्रिक्शन नहीं थी, उसने क्या किया था सिर्फ बेंडिंग, तो वही चीज है, कार तो ऊपर उठ गई एंगल उठा दिया फ्रिक्शन जीरो कर दी, तो फ्रिक्शन जीरो कर दी म्यू जीरो पुट करें इसमें, म्यू को जब जीरो पुट करेंगे तो आंसर आएगा आर जी टेन थीटा, इसको स्क्वेयरिंग करेंगे तो आंसर आएगा टेन थीटा इज वी स्क्वायर बाय आर जी। तो ये वेलोसिटी से कार चलेगी पर ये वेलोसिटी बहुत कम होगी, इसमें पुट करोगे तो जैसे मान लो 60 किलोमीटर पर आर आ रहा है, इसमें तो हो सकता है 5 किलोमीटर पर आ रही आए कि बहुत स्लो स्लो चलाना क्योंकि फ्रिक्शन एब्सेंट, आराम आराम से कार को लेके जाना नहीं तो कार गिर जाएगी, फ्रिक्शन नहीं है राइट। चल तो जाएगी क्योंकि दो चीजें में से दो चीजें जरूरी हैं, या तो बेंडिंग जरूरी है या फिर फ्रिक्शन जरूरी है। ऐसा है कि अगर आप बेंडिंग नहीं करते सड़क को नहीं उठाते फ्रिक्शन कर दो, फ्रिक्शन नहीं करते बेंडिंग कर दो, और अगर आप दोनों नहीं करते फिर कार को मत लेके जाना घुमाने के लिए, कार नहीं घूमेगी, एक चीज तो करनी पड़ेगी, और दोनों करते हो तो फिर तेजी से कार लेके जाओ कोई दिक्कत नहीं और ये वैल्यू आएगी। और अगर आप ये एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से करते हो तो नीट का लास्ट से लास्ट ईयर का क्वेश्चन था कार की वेलोसिटी मार्क करो ए बी सी डी में से, जब वो बैंकिंग ऑफ रोड, इसको बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं सड़क का ऊपर उठना, कितनी तेज कार चल सकती है, ये आंसर है सीधा टिक मार्क, ये क्वेश्चन आया हुआ है ठीक। तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सीधा फॉर्मूला डायरेक्ट आया हुआ है मार्क करने को, इतना ही बहुत है यहां तक पहुंचने के लिए, फॉर्मूला पहुंचने के लिए इतनी लंबी कहानी नहीं सुनी आपने, फॉर्मूला थोड़ा रह गया, वो ठीक ठाक एक्सप्रेशन है ये तो। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, बहुत मतलब बहुत स्लो चलानी पड़ेगी आपको, फिर तेज नहीं है, बहुत ही स्लो धीरे धीरे डर डर के चलाना ठीक। ओके क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं सर्कुलर में, चेक करना प्लीज। पहला क्वेश्चन है अ बेंड इन अ लेवल रोड,
एक और चीज सच मैं इसमें बताना भूल गया ऊपर, इस टॉपिक का नाम क्या था, सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रोड। तो क्वेश्चन आता है, और एक और चीज इसमें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर प्रोवाइड्स सेंट्रीपेटल फोर्स, पता है हमें फ्रिक्शन सेंट्रीपेटल प्रोवाइड करती है। लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, अगर आप कुछ ज्यादा ही फ्रिक्शन कर दोगे, प्रोड्यूसेस वियर एंड टीयर ऑफ टायर, ज्यादा फ्रिक्शन से टायर गिर जाएंगे। तो इसलिए किसकी जरूरत है, कर्व्ड रोड इज गिवन एन इंक्लिनेशन, एंगल उठा देते हैं ताकि वियर एंड टीयर कम हो, और सेंट्रीपेटल फ्रिक्शन की बजाय कौन प्रोवाइड करे, आर साइन थीटा। तो इसको डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन आएगा आपके स्कूल में, एक्सप्लेन, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार लगाना इस पे, एक्सप्लेन बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स एंड फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार इन केस ऑफ बैंकिंग ऑफ ट्रैक। ये एक्सप्रेशन आएगा, पूरे का पूरा करना है आपने, आपने लिखना है व्हाट इज बैंकिंग ऑफ ट्रैक, द सिस्टम ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ अ कर्व्ड रोड, तो मुड़ी हुई रोड का एक एंड को ऊपर उठाना इनर एज के मुकाबले इज नोन एज बैंकिंग, और एंगल ऑफ बैंकिंग का मतलब कितने एंगल से सड़क को उठाया इज नोन एज एंगल ऑफ बैंकिंग। ये लिख के आना है, हाँ थीटा थीटा, ये लिख के आना है डायग्राम के साथ सारा एक्सप्रेशन, राइट। अगर फिजिक्स का पेपर आया और तुम्हारे मन में ये आया कि डायग्राम बनाऊं या ना बनाऊं, तो आंसर है बनाऊं। घर नहीं लेके आनी अपनी नॉलेज, वहीं दिखा के आनी है, बिना डायग्राम के फिजिक्स नहीं चलती। वो यही चेक करना चाहता है, आपको डायग्राम्स आते हैं, डायग्राम ये कोई बच्चों के डायग्राम थोड़ी ना यार, वेक्टर डायग्राम्स हैं, फ्री बॉडी डायग्राम्स हैं, तो यही तो फिजिक्स है। अगर ये नहीं ड्रॉ करोगे उसमें चेक भी नहीं करनी कॉपी, जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिखना, एक एक चीज, कोई शॉर्टकट नहीं, और जितना मैथमेटिकल लिखोगे उतना ही बढ़िया है। लेवल रोड क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन नीचे को एक्ट करती है, रोलिंग फ्रिक्शन होती है, रोलिंग का मतलब है गाड़ी आगे चल रही थी, एक तो फ्रिक्शन पीछे है, वो तो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। अब देखो वो तो हमने की नहीं ना, वैसे भी डिस्कस नहीं कर सकते टायर्स की फ्रिक्शन। हम क्या करते हैं, जो गाड़ी बहुत तेज चलती है ना, तो वो बाहर गिरने की कोशिश करती है अंदर ने कभी भी, है ना, मैंने वो टांग वो एग्जाम्पल, वो बाहर जोर लगा रही है, तो जब वो बाहर जाने की कोशिश कर रही है तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ ही रहती है, इसलिए अंदर रहती है। लेवल रोड पे देखो ना, लेवल रोड पे कार बाहर गिरने की कोशिश कर रही है, फ्रिक्शन अंदर है, तो कार को ऐसे उठा दो तब भी तो बाहर जाने की कोशिश कर रही है, फ्रिक्शन इनसाइड है, तो फ्रिक्शन हमेशा इनसाइड है। वैसे कर सकते हैं, बनाएंगे नहीं, वैसे रिएक्शन से करना ज्यादा ईजी है, रिएक्शन ज्यादा ईजी। लॉजिक बता दिया मैं तुम्हें, तो ये तो टेस्टेड है, ये तो तुमने घर जाके सोचना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, यही तो कह रहा हूं इतनी देर से कि सोचना पड़ेगा, घर जाके गाड़ी को रखना पड़ेगा कॉपी के ऊपर, सोचना पड़ेगा कि कैसे चल पड़ रही है, ठीक, क्योंकि कुछ चीजें वर्ड्स के बियॉन्ड होती हैं, तो खुद अपने दिमाग से क्लिक करती हैं, ठीक, और जो क्वेश्चन आएंगे वो पूछ सकते हो ताकि डिस्कशन कर सके, ठीक। पहला क्वेश्चन है, बेंड इन अ लेवल रोड, एक लेवल रोड है, बेंड आ गया, मोड़ आ गया, और हैज अ रेडियस ऑफ कितना, 100 मीटर, 100 मीटर का उसका रेडियस है, तो क्या गिवन है, आर। मैक्सिमम स्पीड कार कितनी चल की रख सकते हैं ताकि म्यू 0.8 हो, तो पहले फॉर्मूला करवाया, लेवल रोड का फॉर्मूला क्या था, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, तो लिख लेना वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू पता है, आर पता है, और जी की जगह 9.8 सॉल्व करके चेक कर लेना, हमने चेक किया था दूसरे बैच में, आंसर आया था ये, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, समझ में आया, हो जाएगा ये, ठीक। इसमें क्या लगेगा फॉर्मूला बताओ, कहां लिखे सेकंड में, कौन सा एंगल पूछा उसने, पहली बात तो अंडरलाइन किया हुआ लेवल रोड, एंगल नहीं बनेगा, सड़क तो सीधी है, एंगल तो बना ही नहीं, एंगल ऑफ बैंकिंग है ही नहीं, और अगर एंगल ऑफ बैंकिंग नहीं है, सीधी है, तो वही फॉर्मूला लगेगा, v max is equal to under root of mu rg, इस बार आपको वेलोसिटी पता है कितनी 12.5, म्यू आपको निकालना है, रेडियस कितना है इसमें 20 मीटर, और जी कितना है 9.8, म्यू कैन बी कैलकुलेटेड,
मेथड समझ में आ रहा है। लेवल रोड पे फॉर्मूला क्या यूज करते, लो एक काम करते हैं, पहले चलो फॉर्मूला ही देख लेते हैं, फॉर्मूला याद कर लेते हैं। अगर साइक्लिस्ट का क्वेश्चन आएगा तो टैन थीटा इज वी स्क्वायर बाय आर जी, साइक्लिस्ट बेंडिंग का क्वेश्चन आएगा बोलो टैन थीटा इज वी स्क्वायर बाय आर जी, याद हो गया ठीक। अगर लेवल रोड पे कार चलेगी तो वी मैक्स इज इक्वल टू म्यू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, लेवल रोड पे वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, दूसरा भी क्लियर है। तीसरा अगर बैंकिंग है और फ्रिक्शन भी है तो अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू टेन थीटा प्लस म्यू माइनस वन माइनस म्यू टेन थीटा, इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो, बैंकिंग विद फ्रिक्शन, और अगर फ्रिक्शन नहीं है तो फिर टेन थीटा इज अगेन वी स्क्वायर बाय आर जी, सिर्फ बैंकिंग है और फ्रिक्शन नहीं है तो ये फॉर्मूला, कोई डाउट इसमें ठीक। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड एंगल थ्रू विच साइक्लिस्ट बेंड्स, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टेन थीटा इज वी स्क्वायर बाय आर जी, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, ये फॉर्मूला लगेगा। इसके अंदर क्या गिवन है, आपको गिवन है सर्कमफ्रेंस गिवन है, इसमें सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल गिवन है कितना 34.3, यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू गिवन है 34.3, आर की वैल्यू आ जाएगी 34.3 डिवाइडेड बाय 2 पाई ठीक। और कितने टाइम में ये साइक्लिस्ट अपना चक्कर पूरा करते हैं, अंडर रूट ऑफ 22 सेकेंड, टाइम भी आ गया। तो एक काम करेंगे पहले ना वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी क्या होती है 2 पाई आर बाय टाइम, या वेलोसिटी इज इक्वल टू ऐसे लिख लो सरकम फ्रेंस डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि जब साइकिल जब चलाएगा तो एक चक्कर का डिस्टेंस क्या होता है सरकम फ्रेंस, उसको किससे डिवाइड करेंगे टाइम से, तो क्या आ जाएगी वेलोसिटी, सरकम फ्रेंस की वैल्यू पता है टाइम पता है तो वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी को यहां पुट करो, आर पुट करो और जी पुट करो, टेन थीटा आएगा, वहां से थीटा कैन बी कैलकुलेटेड। ये हिंट लिखना है, हिंट लिख लो तो सरकम फ्रेंस लिखो 2 पाई आर ये वैल्यू और सर्कमफ्रेंस की वैल्यू पुट कर लेना यहां पर, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 34.3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 22 भी आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक ले ले। डाउट है हो जाएगा ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें। और लास्ट क्वेश्चन, सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस गिवन बैंक्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, तो एंगल ऑफ बैंकिंग यानी कि बैंकिंग की हुई है सड़क की, म्यू गिवन है, व्हाट इज द ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द कार टू अवॉइड वेयर एंड टियर ऑन इट्स टायर। तो जब वो ऑप्टिमम स्पीड पूछेगा ना तो उसमें आपने फ्रिक्शन का अफेक्ट नहीं लेना और टेन थीटा इज वी स्क्वायर बाय आर जी से क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन जब वो पूछेगा व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग, तो हाईएस्ट वेलोसिटी पूछ रहा है, फिर आपने फ्रिक्शन के साथ अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जब वो ऑप्टिमम स्पीड पूछेगा, ऑप्टिमम मतलब लोएस्ट स्पीड जो होगी उसकी, वो उसमें फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करना, तो ये लिखना है। और अगर आपसे वो मैक्सिमम स्पीड पूछेगा फिर यहां से आंसर आ जाएगा। तो लोएस्ट स्पीड और हाईएस्ट स्पीड पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं लेंगे फिर तो उस बहुत ही स्लो चलना पड़ेगा, तो लोएस्ट स्पीड आ जाएगी, और अगर फ्रिक्शन लेंगे फिर तेज चल सकते हैं और मैक्सिमम स्पीड आएगी। वैल्यूज पुट कर लेना, फॉर्मूला समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें ठीक। तो यहीं तक, दूसरे बैच में इसको क्लोज करते हैं और टेस्ट